हाँ देखो बेटा, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इधर से लाइट आ रही है और रिफ्रैक्ट होके चली गई। अभी क्या हो टाइम, वो 4 बज गए क्या? अरे बहुत जल्दी बजते हैं यार। हाँ, इधर से लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई और रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी बेटा, ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी। ठीक है, तो इसके दोनों दिखा रहा हूँ। देखो मैं ये भी डार्क करके दिखा रहा हूँ और ये वाले भी दिखा रहा हूँ इस तरीके। ये आपकी अनपोलराइज लाइट है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, देखो इसमें एंगल, ये वाले जो रिफ्लेक्टेड लाइट में, अब ये क्यों होता है बेटा, कोई रीजन नहीं है इसका अपने पास। ठीक है ना, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट डोमिनेट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये वाले क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, और इधर क्या होंगे, ये बड़े हो जाएंगे, डॉट डॉट इनके लाइट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, बड़े हो जाएंगे, डॉट इनके लाइट हो जाएंगे। तो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का पोलराइजेशन किधर है, मेनली जो वर्टिकल कंपोनेंट है प्लेन के, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट मेनली बसते हैं, ठीक है, और ये वाले कंपोनेंट कम हो जाते हैं, और जो अलोंग द कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो किस में डोमिनेट करेंगे, वो रिफ्रैक्शन वाले में रहेंगे। तो आपको अब ये देखना है कि एक पर्टिकुलर ब्रेवस्टर्स एंगल किसे कहते हैं। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या होगा, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं मैं, कि आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, ब्रेवस्टर्स एंगल बोलते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रेवस्टर्स एंगल के बराबर होगा, ठीक है, तो उस केस में आपकी ये लाइट तो अनपोलराइज थी, जो इंसिडेंट लाइट है वो तो अनपोलराइज है, ठीक है, बट ये रिफ्लेक्टेड लाइट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल पर, ध्यान से सुन लेंगे इसको, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक है ना, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, केवल ये डॉट बचते हैं, ये वाले कंपोनेंट गायब ही हो जाते हैं, बट स्टिल ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं है बेटा इस केस में, रिफ्रैक्टेड वाली नहीं है कभी भी कंप्लीटली पोलराइज। बट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट गायब हो जाते हैं, केवल परपेंडिकुलर वाले बचते हैं। ठीक है, और एक चीज और होती है इस पर, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, ब्रेविस्टर्स एंगल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेविस्टर्स एंगल। तो इस पर एक चीज और होती है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर भी हो जाती है बेटा। तो इसलिए हम इसका म्यू की, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये आपकी एयर है, तो ये आप ब्रेवेस्टर्स एंगल म्यू की टर्म में निकाल पाएंगे इसी वजह से, क्योंकि ब्रेवेस्टर्स एंगल पर जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। तो मान लो अभी आई बी हो गया, तो ये भी आई बी हो जाएगा, ये 90 है, तो इसलिए ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा, अपने आप 90 माइनस आई बी आ जाएगा। तो आप इस लो लगा दो इस पे, आप साइन आई बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, तो साइन आर की जगह आपने क्या रख दिया, 90 माइनस आई बी रख दिया, और ये आपका साइन आई बी आ गया। ठीक है, तो आपका म्यू कितना आ जाएगा, 10 IB आ जाएगा। तो आई बी कितना आ गया, आई बी आ गया आपका 10 इनवर्स म्यू। तो म्यू 1 म्यू 2 होंगे तब भी निकल जाएगा इसका, इसके रिस्पेक्ट में, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ जाएगा। तो ये ब्रेवेस्टर्स एंगल की वैल्यू होती है जो आपको ध्यान रखनी है, बस यही है इसमें और कुछ नहीं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच
रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड इज कॉल्ड ब्रेविस्टर सिग्नल। तो इस पर एक दो क्वेश्चन भी मेंस में आपको दिख जाएंगे, डायरेक्ट टेंस पर आप कर देंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए ब्रेविस्टर सिग्नल होता क्या है, एक तो जिस पर कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, और इसी एंगल पर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड लाइट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वेव ऑप्टिक्स का नाम का चैप्टर खत्म होता है। अब आप सब कुछ लगा लीजिए, पैकेज और एससीवी दोनों लगा सकते हैं। पैकेज लगाइए पहले, एससीवी बाद में लगाना, ठीक है ना। उसमें आप थोड़े से डाउट आएंगे आपको, पैकेज में अच्छे क्वेश्चन है उसमें। बस अब नेक्स्ट टर्न पे अपन वो करेंगे एटॉमिक फिजिक्स। आज अपन को इसलिए मैंने क्लास लगानी भी पड़ी कि रह गया था अपना, ठीक है ना। अब कल आपकी क्लास 2 से 3:30 है, ध्यान रखना, ठीक है। 12th वाले बच्चे 2 से 3:30 है इनकी क्लास, मैं मैसेज कर दूंगा अभी आईडी। तो स्कूल तो नहीं जा रहा है 2 बजे कल? चलिए, और कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, नहीं 12th वाले जा सकते हैं, 11th वाले रुक जाएंगे।